नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोबित पीडी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न नंबर 11 करेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हमने प्रश्न नंबर 10 कर लिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं और हमें दिया गया है 27x³+y³+z³-9xyz। दोस्तों, इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें चेक करना होता है गुणनखंड के अंदर कि यहाँ पे कोई सर्वसमिका लागू हो रही है या नहीं हो रही है। अगर गुणनखंड हमें सर्वसमिका के सहायता से ज्ञात करना है तो हमारे इजी हो जाते हैं, क्योंकि सर्वसमिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि कोई सर्वसमिका लागू हो रही है नहीं हो रही है। अगर दोस्तों ये x³y³+z³-3xyz के फॉर्म में होता तब तो यहाँ पे अपनी सर्वसमिका लागू हो जाती। तो हम कोशिश करेंगे कि ये इसी फॉर्मेट में लिखा जाए। जैसे 27 है दोस्तों, ये किसका क्यूब होता है, तब आप बोलोगे सर ये 3 का होता है, आगे x है, तो यानी कि 27 x की क्यूब को दोस्तों हम लिख सकते हैं 3x की क्यूब, प्लस का सिंबल प्लस, y की क्यूब को लिख सकते हैं y की क्यूब, z क्यूब को लिख सकते हैं दोस्तों z की क्यूब, ठीक है। आगे माइनस माइनस, इसको दोस्तों हम किस प्रकार लिखें कि यह सर्वसमिका लागू हो जाए, तो हमें लिखना होगा 3, फिर x का मान, फिर y का मान, फिर z का मान, यानी 3 गुणा x का मान दोस्तों 3x, y का मान खुद y और z का मान z। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, तो x की जगह दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, 3x मिल रहा है, यानी x की जगह 3x है, y की जगह खुद y है और z की जगह दोस्तों z है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x और y और z के जो हमें मान मिले वो सर्वसमिका के अंदर रख देंगे, क्योंकि ये तो हमें दिया गया है इसी फॉर्मेट में है दोस्तों, ये तो हमें दिया गया है और गुणनखंड करने के लिए हमें इसके अंदर मान रखना है। तो सबसे पहले हम x का मान रखेंगे, तो x कितना है 3x है, फिर y का मान रखना है, y खुद है, z की जगह z खुद है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों x की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर यानी 3x की स्क्वायर, तो ले लीजिए 3x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर यानी y की जगह खुद y है, z की स्क्वायर यानी z की स्क्वायर, माइनस x का मान दोस्तों 3x है, y का मान y है, माइनस y का मान y है, z का मान z है, फिर माइनस z की जगह दोस्तों z है और x की जगह कितना है 3x है। आगे इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। किस प्रकार दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू तो हम ऐसे कैसे रख देंगे 3x प्लस y प्लस z, ठीक है। 3x की स्क्वायर 3 की स्क्वायर, 9x की स्क्वायर x स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9x स्क्वायर, आगे में प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर दोस्तों आगे में दिया गया माइनस, तो हमने माइनस का सिंबल लगा दिया, 3 का 3 और x और y लिख देंगे, क्योंकि 3x का गुणा जब y से होगा तो मान ही आ जाएगा 3xy, माइनस का सिंबल हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों माइनस क्यों लगा रहे हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस ये माइनस से गुणा होगा, तो फाइनल आंसर किसका आएगा, ये माइनस का आएगा, ये दोस्तों इसमें होगा तो इसलिए हमने पहले ही माइनस लगा दिया। वाई का गुणा जेड से होगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया, 3yz, तो 3 को हम पहले लिख देंगे क्योंकि संख्या को हम चर से पहले लिख देते होते हैं दोस्तों, 3 हो गया, फिर x से और z, आप z को पहले भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं, हमने क्रम के अकॉर्डिंग लिख दिया, x पहले आता है तो हमने x को पहले लिख दिया, फिर z को लिख दिया, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, zx भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों इससे आगे इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये इसका प्रसारूप हो जाएगा, यानी इसका गुणा अगर हम अंदर करेंगे तो ये प्रसारूप हो जाएगा, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने थे, तो यानी इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना था, 27x³+y³+z³-9xyz के हमें गुणनखंड ज्ञात करने थे। तो दोस्तों इसके गुणनखंड है 3x+y+z, 9x² + y² + z² - 3xy - yz - 3xz, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों होपफुली क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आए, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट भी कर देना।
फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।